शिनचैन देख तो सर, मेरे पास कितनी मस्त लैम्बोर्गिनी है। क्या तूने कभी अपने सपने में भी लैम्बोर्गिनी देखी है? अरे तूने तो कैसे देखी होगी, तू तो साइकिल चलाता है। अरे ऐसा नहीं है, मेरे घर में भी लैम्बोर्गिनी है बहुत सारी। अच्छा फिर लैम्बोर्गिनी की स्पेलिंग तो बता दे। अरे वो तो मुझे नहीं पता। अरे मुझे पता है, तुम्हारे घर में एक भी लैम्बोर्गिनी नहीं है, तुम सबके सब साइकिलों पे घूमते हो। अरे ऐसे नहीं है, मैं तुझे दिखा दूंगा गाड़ी। अरे तो फिर दिखा दे। अरे तेरे को क्या पता, हमारे पास तो डायमंड और गोल्ड की गाड़ी है। अरे क्या, चल एक तो दिखा दे गाड़ी। अरे मैं लेके आऊंगा कभी ना कभी तो। अरे मुझे पता है तू कभी वापस नहीं आने वाला है। अरे मैं आऊंगा देखना फिर। अरे अभी चल निकल निकल यहाँ से। अरे जा रहा हूँ ना। जिस फ्रैंकलिन के साथ तू रहता है ना, उसको बोल दे कुछ काम धाम कर ले, देखो गाड़ी मिल जाएगी जब देखो जब साइकिल पे घूमता रहेगा गरीब साला। अरे जाते बोल रहे कि तू, अब देख मैं तेरे को डायमंड की कार लाके दिखाऊंगा। अरे हाँ लाना ला, मैं इधर ही खड़ा हूँ। अरे देखना मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, आज तुझे डायमंड की गाड़ी मैं लाके दिखाऊंगा। फेंकी भी है। अरे फेंकी भी के पास चलते हैं, आज तो मैं उसको दिखा के रहूंगा हमारे पास डायमंड की कार है। अरे फेंकी भी है। अरे फेंकी भी मेरी बात सुनो। अबे शिनचैन कहाँ से चला रहे? अरे फेंकी मेरी बात सुनो। अबे सुबह सुबह तू कहाँ चले जाता है, साइकिल पूरा दिन लेके घूमता रहेगा, अगर साइकिल की हवा निकल गई और फिर उसके पैसे मेरे से मांगे ना हवा भराने के, तो मैं तो नहीं देने वाला। अरे फेंकी भी वो सब छोड़ो ना, अभी मेरे दोस्त ने बहुत बड़ी मेरी बेइज्जती कर दी। हाँ तो तू तो लायक ही है बेइज्जती के, क्या बोला देखो? अरे फेंकी मेरे को गरीब बोला बहुत ज्यादा। हाँ तो गरीबी तो है, तू है क्या तू? अरे फेंकी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैंने उसको बोला है मैं उसको डायमंड की गाड़ी लाके दूंगा। क्या डायमंड की गाड़ी? अबे तू सपने में भी देखी कभी डायमंड की गाड़ी? अरे फेंकी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ यार, लाके दो ना यार। अबे मैं कहाँ से लाके दूँ, पागल है क्या तू? अरे फेंकी पर मैंने तो उसको बोल दिया कि हम लाके दूंगा। अबे देखो जो करना कर, मैं जा रहा हूँ सोने। अरे फेंकी उसने बोला था कि आपके पास कुछ काम धाम नहीं, आप बहुत ज्यादा गरीब, आप कुत्ते कमीने सैंड गिड्डे मोटे पुलिस सबके सब। क्या मुझे बोला? अरे फेंकी भी और नहीं तो क्या, आपको बहुत गंदा गंदी गालियां भी दी थी, वो आपको बताया भी नहीं सकता। ऐसा करा उसने, अब तो रुक जा, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे फेंकी भी बस उसको एक ही इलाज है, हम उसको डायमंड की गाड़ी दिखाएंगे तो वो यार मान जाएगा कि हम बहुत खतरनाक है। अब तू टेंशन मत ले, आज मैं डायमंड की गाड़ी उसको दिखा के रहूंगा। साला ज्यादा मेरे को गालियां दे रहा है, मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। तो गाइस सर अभी हम जाने वाले लॉस सैंटोस एक बहुत ही खतरनाक वाले अमीर आदमी के घर पे। अभी इसके मैं घर में घुस चुका हूं और सामने यार बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे, इसलिए मैं सामने से गया नहीं। ये देखो ये बॉडीगार्ड्स की यहां पे गाड़ी है, वो भी कितनी ज्यादा खतरनाक है। इनकी बॉडीगार्ड की भी किसी की गाड़ी चुरा ना बहुत ज्यादा महंगी है, पर मुझे चुरानी है वो डायमंड वाली जो अंदर खड़ी है गैराज में कार। तो अभी मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है, वो जो यार बिलियनर है, जो इसके यार घर का ओनर है, वो अभी घर से बाहर गया हुआ है, तो अभी घर के अंदर कोई है नहीं, बाहर सिर्फ यार बॉडीगार्ड्स खड़े। तो अभी चुपचाप से मैं घर में घुस चुका हूं। भाई ये क्या फोटो लगा रखी है, चलो फटाफट से वो गैराज का रास्ता ढूंढते। तो गाइस मुझे वो रास्ता मिल चुका है गैराज का। ये वो डायमंड की लैम्बोर्गिनी यूरस, आप देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा खतरनाक है ये लैम्बोर्गिनी, पूरी पूरी डायमंड की। फटाफट से इसके अंदर मैं चुपचाप बैठ जाता हूं, किसी को पता नहीं चलेगा। गाड़ी अपन स्टार्ट कर लेते, वो मुझे यहां पे देख तो रहा है पर उसको पता नहीं चलेगा। पहले पहले थोड़ा थोड़ा मुड़ा लेता और एकदम से भगाते हुए यहां से मैं निकालूंगा। और ये यहां से निकालते, भगाओ गाड़ी को, अबे हट जा सामने से। और गाइस अभी हमने वहां से गाड़ी निकाल ली है, और ये क्या, अभी पुलिस कहां से आ गई इतनी जल्दी? अभी मैं किसी घर पे चुराने आया था, अभी इतनी जल्दी पुलिस तो ना आती, ये तो चीटिंग है। मुझे लगा था 5-10 मिनट बाद आएगी, ये तो घर के बाहर ही खड़ी थी। अभी मुझे ऐसे निकलना पड़ेगा, इस पुलिस से भी छुड़ाना पड़ेगा। एक सेकंड, मेरे पीछे हेलीकॉप्टर भी है, अबे भागो यहां से। तो गाइस सर बहुत देर से इस पानी के अंदर मैं घूम रहा हूं, बिल्कुल यार पूरा पानी देखो कैसे मैं मेरी कार को कवर कर लिया। अब मुझे लगता है वो पुलिस वाले जा चुके हैं, तो टाइम आ चुका है इस गाड़ी को यहां से बाहर निकालने का। फटाफट से यहां से बाहर निकालते हैं। तो गाइस सर अभी शिनचैन में आ गए उस लड़के के घर पे जिसने मेरे को गालियां बकी थी। अबे ओए तू ही था ना मेरे को बोलने वाला, ये देख डायमंड लैम्बोर्गिनी उरस, तूने अभी जिंदगी में अपने देखी नहीं होगी पूरी की पूरी डायमंड की। अरे क्या ये सही में डायमंड की है? अरे नहीं तो क्या मजाक करेंगे? मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है ये फेक डायमंड की है। तुम मेरे को झूठ बोल रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारे पास कभी डायमंड की गाड़ी नहीं आ सकती। अबे डायमंड की है, भले खा के देख ले उसको। नहीं नहीं नहीं, अच्छा चलो अगर तुम मुझे एक और गाड़ी लाके देखो डायमंड की तो मैं मानूंगा। इस बच्चे को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, साला मेरे को चैलेंज दे रहा है। इसने मुझे बोला एक और डायमंड की गाड़ी लाने के लिए, तो मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आ चुका हूं। और मैं घुस चुका हूं आयरन मैन के घर पे, उसने मुझे बताया था उसने डायमंड की अभी रिसेंटली गाड़ी लिए। अरे यार इसी गैराज में तो वो गाड़ी नहीं है, अरे कहां खड़ी करी होगी इसने गाड़ी? रुको मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल चुपचाप जाना, कोई मुझे देख नहीं ले। अभी आयरन मैन उधर ही खड़ा है यार, अभी चुपचाप यहां से जाते, ये मुझे देख तो नहीं लेगा ना। अभी यार एक काम करो, यहां से मैं निकल जाता चुपचाप। अरे यहां पे तो हरी खड़ा है, रुको रुको सामने से भाग जाता, अरे जल्दी जल्दी
भागो यहाँ से, अभी कोई देख नहीं ले मुझे, भागो। और एक सेकंड, मुझे मिल गई वो गाड़ी। अभी स्पाइडरमैन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रुको रुको चुपचाप से इसको पीछे से थप्पड़ मारेंगे, ये निकल यहाँ से। और गाइस यार अभी मैंने स्पाइडरमैन को सुला दिया, और ये रही वो गाड़ी है, देख सकते हो कितनी ज्यादा खतरनाक है, और ये पूरी पूरी डायमंड से बनी हुई है। और एक और स्पेशल बात बताऊं, टोनी स्टार्क ने इसको उड़ने वाला कर दिया, मतलब ये एक बटन दबाते ये गाड़ी उड़ने लग जाती है। सोचो भाई, एक तो डायमंड की कार है और इतनी ज्यादा खतरनाक दिखने वाली कार है, इसमें वेपन्स भी है और ये उड़ती भी है भाई, और क्या ही चाहिए। और इसमें पीछे बूस्टर भी लगा हुआ है भाई, ये कार तो मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। चलो फटाफट उस बच्चे के पास चलते हैं, इस बार अगर वो नहीं माना ना, इसी गन से उसकी खोपड़ी खोल दूंगा। तो गाइस यार अभी हम उसके घर पे आ चुके। हाँ भाई ये देख, ऐसी गाड़ी तूने जिंदगी में कहीं भी सदा सोची भी नहीं होगी। अरे ये क्या, ये कैसी कार है? अरे ये बहुत ही ज्यादा महंगी कार है, तू बस देख सकता है, इसको टच भी मत करना। अरे ये तो सही में डायमंड की कार है, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने तो बोला ही था भाई, मेड से पंगा नहीं लेने का, शिनचैन को अगली बार से कुछ बोला ना तो तेरे को देख लियो, और मुझे भी कुछ नहीं बोलने का। अरे वाह वाह, तुम तो बहुत ही खतरनाक हो, पर रुको मुझे लगता है ये भी फेक है। अबे पागल वागल है क्या, कोई फेक वेक नहीं है। अच्छा तभी मैं मानूंगा, अगर तुम मेरे लैम्बोर्गिनी को डायमंड का करके दिखाओगे तो मैं समझूंगा तुम बहुत ही खतरनाक आदमी हो। अरे इतनी सी बात, अभी रुक तू। एनी फेकी भाई क्या कर रहे हो? अबे तू बैठ तो सही, शिनचैन बस देख क्या करता हूं मैं। एनी फेकी भाई कैसे करोगे? अबे तू चल तो सही। तो गाइस यार मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। तो गाइस यार इतनी देर से तो मैंने दोस्त को गाड़ी चुरा के दिखाई, वो दोनों डायमंड की थी, पर अब मैं यार डायमंड का कलर करवाने वाला हूँ इसकी गाड़ी पे, मतलब यार वो फेक होगा। और यार पहले वो दो असली उसको दिखा दी, अब इसको फेक दिखा देंगे, अब इसको क्या ही पता चलने वाला है। तो गाइस यार अभी मैं आ चुका लॉस सेंटोस कस्टम में, और यहाँ पे मैं इस गाड़ी को फुल अपग्रेड करूंगा और इसको डायमंड का करूंगा। तो फटाफट से शुरू करते, सारे के सारे ब्रेक चेंज कर देते, मतलब तगड़े वाले कर देते, और इसके पहले पेंट भी कर देते। और ये रहा हमारा डायमंड वाला कलर, मतलब ये सिर्फ डायमंड का कलर है, असली डायमंड नहीं है, पर उसको क्या ही पता चले। चलो उस गाड़ी को फटाफट से बाहर निकालते हैं। तो गाइस यार गाड़ी को हमने कर दिया पूरा का पूरा रेडी, और ये डायमंड की लग रही है बिल्कुल, और हमने टायर में स्मोक वोक भी डाल दिया, मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है ये गाड़ी। अब देख सकते हो भाई पूरी डायमंड की लग रही है ना। फटाफट से कमेंट करके बता दो ये कैसी लग रही है आपको गाड़ी, मतलब रियल लग रही है कि नहीं, मतलब आपको तो पता है ये फेक है, पर उसको अपन को पागल बनाना है। तो फटाफट से यहां से अपन चलते हैं उसके पास और उसको दिखाते हैं ये वाली गाड़ी। और गाइस यार हम आ चुके हैं उसके घर में, फटाफट से यहां पे अंदर घुसते हैं। हां भाई ये देख तेरी डायमंड की कार, वो भी लैम्बोर्गिनी जो कि तेरी है। अरे क्या, ये तो सही में मेरी गाड़ी है। अरे तुमने मेरी गाड़ी तो डायमंड की कर दी। अरे आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हो। थैंक यू मेरी गाड़ी डायमंड की करने के लिए। मैं मान गया, बहुत खतरनाक हो। चलो थैंक यू, हम जा सकते हैं। हाँ चल चल ठीक है। एक सेकंड, मैंने इसकी गाड़ी डायमंड की क्यों करके थी? अबे मैंने तेरी गाड़ी डायमंड की करके थी? ए, मैंने तुमको पागल बनाया। अबे निकल यहाँ से पागल बनाया, इसकी गाड़ी तो मैं लेके जा रहा हूँ। ए मेरी गाड़ी दे दो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अबे ऐसा क्यों नहीं करो, मैं लेके जा रहा हूँ उसकी गाड़ी को, इसकी गाड़ी को बेच के जितने पैसे आएंगे ना उससे कुछ ले लूंगा, मैं इसको तो नहीं देने वाला। निकल यहाँ से पागल बच्चा साला, अगली बार से नीचे देखो परेशान करे ना, सीधे जाके गोली मार दी, परेशान कर दिया इसने। तो गाइस यार जो कि यार दो मैंने डायमंड की गाड़ियां चुराई थी, मतलब जो रियल डायमंड की थी उनको मैंने बेच दिया, क्योंकि भाई वो गाड़ी यार बिलियनर की थी और ये टोनी स्टार्क की थी, वो कैसे भी करके पता कर ही लेते कि उनकी गाड़ियां कहां पे, तो मैंने उनको फटाफट से बेच दिया। और ये मैंने पूरी की पूरी यॉट खरीद ली, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली यॉट है, और आपको दिखाता हूं इसका इंटीरियर कितना ज्यादा खतरनाक है, और ये कितनी ज्यादा बड़ी है। इसमें हम दो दो हेलीकॉप्टर भी रख सकते हैं, सोचो सॉरी कितनी ज्यादा बड़ी है। और इसमें पूरे के पूरे 200 रूम्स बने हुए, अभी आपको अंदर जाके मैं दिखाता हूं। ये देख सकते हो भाई क्या ही तगड़ा वाला इसका इंटीरियर है, ऊपर भी फ्लोर भी बने हुए यार, 3 फ्लोर का ये यॉट है पूरी की पूरी। ये देखो भाई इतना बड़ा बेडरूम है, यहाँ पे 4-5-6 जने आराम से रह सकते हैं। ये रहा एक और यहाँ पे बाथरूम, और आपको लेके चलता हूँ और भी बहुत सारे रूम है यार यहाँ पे, मतलब अलग अलग तरह के बहुत सारे रूम है। और ऊपर वाला फ्लोर भी मैं आपको दिखाऊंगा, और पूरा यार पार्टी करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाली जगह। अभी ये देखो तो कितना ज्यादा खतरनाक हो रखा है ये। अभी हम चलते ऊपर वाले फ्लोर पे, सीढ़ियों में भाई लाइटें मस्त लगा रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे सोफा वोफा लगे हुए, और यहाँ पे देखो फुल पार्टी वार्टी कर सकते हैं। यहाँ पे पानी, कोल्ड ड्रिंक और आपको जो भी गंदी गंदी चीजें वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, मतलब सब की सब चीजें यहाँ पे आपको मिल सकती है। और यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मतलब यार अच्छा है मैंने डायमंड की गाड़ियों को बेच दिया, तो मैंने यार ये बहुत ही बड़ी सी यॉट ले ली जो कि बहुत ही खतरनाक है। जिनसे देखो कैसे लगी? अरे वेकी में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अरे खतरनाक है ना यार। गाइस अभी आपको यार अंदर का इंटीरियर दिखाता हूं जहां से ये यॉट चलती है पूरी की पूरी। ये देखो यार यहां पे हमारे ड्राइवर भैया है, मतलब जो भी इनको बोलते हैं यार, ये पूरी की पूरी यॉट चला रहे, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और यार मेरे पास ये गोल्डन हेलीकॉप्टर भी है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और ये इस यॉट के साथ ही अपने मतलब इसके पैसे पहले दे दिए थे। तो गाइस यार कुल मिला के ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आपको कैसा लगा फटाफट से मुझे कमेंट
कमेंट करके बता दो। तो गाइस यार आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता ना कैसे लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर जॉइन फॉलो कर लेना। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।